नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो काफ़ी दिन से मेरे को कमेंट आ रहा था कि आप प्लीज़ बताइए गर्मी में कौन सा क्रीम लगाना चाहिए, कौन सा क्रीम अच्छा होता है। तो एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार आए, काफ़ी लोगों ने पूछा तो मैं बता नहीं पाई। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं कई दिन से वीडियो भी नहीं बना पा रही, टाइम नहीं लग रहा था तो मैं नहीं बता पाई। आज मैंने फाइनल सोच लिया कि आप लोग को बता दूँ, क्योंकि आप लोग यही कहेंगे कि इतनी बार पूछो तो बताते नहीं हैं। वैसे मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं आप लोग कोई चीज़ पूछो तो मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ है गर्मियों की क्रीम के लिए, तो एक मैंने क्रीम डाली थी जिससे पसीना नहीं आता ज़्यादा। तो अब मैं उसको खुद जिस शॉप से ली थी, तो अभी मैं कल ही गई थी उसको ढूंढने, तो वाला मिला नहीं। तो क्या पता अभी थोड़ी और गर्मी आए फिर वो क्रीम मुझे मिल जाए। तो अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं फेयर लवली क्रीम, और एक है क्लेमी का एक बीबी क्रीम है, इसको भी मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि गर्मियों में हम कम से कम दिन भर में तो 6 से लेकर 7 बार तक हम अपना फेस वॉश करते हैं, जिससे हमें बार बार क्रीम भी लगानी पड़ती है, और जब कभी बार ज़्यादा गर्मी होती है तो हम नहीं भी लगाते, तो हमको कई बार धुलने की वजह से तो हमारी क्रीम भी ज़्यादा वेस्ट होती है। हमने अभी लगाया, 2 घंटे बाद फिर पता लगा हमने कोई काम किया, हमको पसीना आ गया, तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि बस हम अपना फेस वॉश ही कर लें, तो करते हैं फिर अप्लाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप भी ऐसा करते हैं, दिन भर में मतलब 6 से 7 बार अपना फेस वॉश करते हैं, तो आप फेयर लवली यूज़ करें, क्योंकि फेयर लवली भी बहुत अच्छी क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। जब ज़्यादा गर्मी होती है मैं उसे यूज़ करती हूँ, अगर घर में रहना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारी थोड़ी सस्ती भी मिलती है, और हमारी क्रीम अगर है, देखो हम हर बार मुंह धुलेंगे तो हर बार अगर महंगी महंगी क्रीमें लगाएंगे तो हमारा 10 से 5 दिन ही चलेगा, ख़त्म हो जाता है। तो मैं सही बताऊँ तो मैं डेली का ये फेयर लवली करती हूँ, और एक क्रीम है वाइट टोन क्रीम, तो मैं वाइट टोन क्रीम भी यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर फेयर लवली से भी अच्छी क्रीम की बात करें तो वो है वाइट टोन क्रीम, आप वाइट टोन क्रीम भी मंगवा लीजिए, इससे थोड़ी सी महंगी भी है और अच्छी भी है इससे फेयर लवली से। और अगर और भी अच्छी बात करें क्रीम की, कि और भी मतलब इन दोनों से भी अच्छी कौन सी क्रीम है, तो अगर आप लगा रहे हो तो या तो फेयर लवली मिक्स करके लगाइए, या फिर सिर्फ यही फाउंडेशन क्लेमी का फाउंडेशन है, मैं यहाँ पे फोटो भी अभी डाल दूंगी, अच्छे से आप देख लेना। ये भी फाउंडेशन बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। इसको ना आप कोई मॉइस्चराइज वगैरह लगाएं ना लगाएं, अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं बहुत अच्छा साइन देता है फेस को। अभी मैंने इसको अप्लाई किया है, आप लोग देख सकते हैं कितना साइन कर रहा है फेस। तो इसलिए मैं आप लोग को कहूँगी कि ये भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये है ये थोड़ी सी महंगी है, ये लगभग है, अभी आप लोग को मैं बता। तो ये क्रीम जो हमारी है ये है 499 रुपये का है, तो ये जो आप डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर हम 500 की क्रीम लगाते हैं दिन भर में ये फाउंडेशन, तो हम 4 से 5 बार लगा नहीं सकते, बार बार लगाएंगे तो ये 10 दिन भी मुश्किल से नहीं चलेगा। तो इतनी महंगी क्रीम हम नॉर्मल लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा पैसा वेस्ट होगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जो क्रीम है फेयर लवली है, और साइड में मैं फ़ोटो लगा रही हूँ, वाइट टोन क्रीम है, ये दोनों बहुत बेस्ट है, बहुत। आप जैसे ही लगाएंगे आपका फेस ग्लो करने लगता है, गर्मियों के लिए भी अच्छा है। जैसे हमें कई बार और भी कोई क्रीम हम लगाते हैं ना तो हमें पसीना आता, तो हम उसको अगर पसीना साफ करते तो हमारी क्रीम भी रिमूव हो जाती है पसीने के साथ साथ। पर ये जो चीज़ें हैं, ये 2-3 क्रीम जो हैं बहुत अच्छी हैं, काफ़ी टाइम तक टिके रहते हैं, और 2 से 3 बार हम दिन में लगा भी सकते हैं। और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप ये वाला ट्राई करें, ये वाला बेबी क्रीम क्लेमी का है, कंपनी की है, कंपनी की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, और फेस पे अप्लाई करते ही आपके फेस के साथ मैच कर जाता है। जब भी आप लेने जाएं तो उनसे अपना स्किन दिखाएं, अगर आपको नहीं पता है अपनी स्किन दिखाएं कि मेरे स्किन से मैच हो, हमें ऐसे बेबी क्रीम दीजिए, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बस यही था इस वीडियो में, यही क्रीम है बेस्ट है जो मैं भी यूज़ करती हूँ। और वाइट टोन क्रीम जो है अभी मैं 2-3 दिन में लेके आऊँगी, कल मैं मार्केट गई थी पर मैं नहीं ला पाई, अभी मैं मुझे यूज़ करना है उसे। अभी तो फिलहाल मैं ये फाउंडेशन और फेयर लवली दोनों मिक्स करके यूज़ करती हूँ फेस पे डेली, क्योंकि अभी भी इतनी गर्मी नहीं है। हम दिन में 2 से 3 बार मुँह धुलते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो हम ये यूज़ करते हैं। तो अभी हमें
तो अभी हमें उस क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ी वाइट टोन क्रीम की, तो इसलिए हम लाए नहीं। तो बस जाने वाले हैं, लेके आएंगे तो ज़रूर आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे। ब्लॉग देखते होंगे तो ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जिससे हमारे सारे ब्लॉग आप तक पहुँच जाए। ओके, अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, बाय। और कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आप लोग को बताऊँगी। थैंक यू।